अन्यवासे यूरोबोन मन्ना सुभंगा वोयो। दोस्तों यूं तो मैं हर दिन आपके साथ BTS के सरप्राइजेस और गुड न्यूज शेयर करती हूं, लेकिन आज की ये न्यूज BTS आर्मी के लिए शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग है। इस शॉकिंग न्यूज को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों इस यूनिवर्स के रिवॉल्यूशनरी बैंड BTS हर दिन कोई ना कोई हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट करते हैं। वहीं हेटर्स बांगटन बॉयज की इमेज खराब करने या उन्हें हार्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक और कोशिश इन हेटर्स ने की, जिसकी वजह से ना सिर्फ आर्मी बल्कि बांगटन बॉयज को भी गुस्सा आ रहा होगा। अगर डिटेल में बात करें तो 16 नवंबर को लेट नाइट बांगटन बॉयज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, जब 17 नवंबर को आर्मी ने डेली अपडेट्स के लिए इस अकाउंट को विजिट किया तो आर्मी ये देखकर शॉक्ड हो गई कि दुनिया के सबसे बड़े बैंड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के एक हेटर्स ग्रुप के थ्रू किया गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो BTS वर्ल्ड नाम का अकाउंट जो कि BTS गेम से रिलेटेड था, उन्हें बांग्लादेशी हेटर्स ने न सिर्फ बंद कराया बल्कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि ये हरकत उन्हीं के थ्रू की गई है, जिसके बाद से ग्लोबल BTS आर्मी काफी गुस्से में है। और जब आर्मी ने ट्विटर से कांटेक्ट किया तो इसका रीजन टीम कॉपीराइट बताया गया, और ये कॉपीराइट इसी बांग्लादेशी ग्रुप ने दिया है। वैसे तो ये हेटर्स ग्रुप खुद को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं और ये साइबर क्लीनिंग का काम करते हैं जो कि ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड होता है। अगर इन कम दिमाग हेटर्स ग्रुप की माने तो BTS का ये अकाउंट होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि ये तो BTS का गेमिंग अकाउंट है तो ये होमोसेक्सुअलिटी को कैसे प्रमोट कर सकता है। यही रीजन है कि ग्लोबल BTS आर्मी इस ग्रुप के साथ साथ ट्विटर से भी काफी नाराज है और ट्विटर को जल्द से जल्द BTS के इस अकाउंट को रीओपन करने की डिमांड कर रही है। साथ ही ये डिमांड भी की जा रही है कि ट्विटर को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज करना चाहिए, क्योंकि किसी के कॉपीराइट स्ट्राइक देने भर से ट्विटर किसी का अकाउंट कैसे सस्पेंड कर सकता है। और इस तरह की ट्विटर की हरकतें आए दिन मीडिया में आती रहती हैं। वेल BTS आर्मी इसलिए भी परेशान है क्योंकि अगर बांगटन बॉयज का ये ऑफिशियल अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है तो इन फ्यूचर BTS का पर्सनल अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही बांगटन बॉयज के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आज तक किसी भी तरह का कोई रॉन्ग कॉन्टेंट अपलोड नहीं किया गया है और न ही बांगटन बॉयज ने कभी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया है। फिर भी ना जाने क्यों ये हेटर्स आए दिन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन तमेतो बायो।